परमात्मा की शरण में पहुंचना किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखा था आप का मन गंदा है। यदि आपका मन गंदा है, आपने पाप करा हो, छल करा हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, चाहे आप कितने भी गंदे हो तो मंदिर जरूर जाइए। आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। लोग कहते हैं मैं गंदा हूं, मेरा मन गंदा है तो मन मंदिर जाने का नहीं करता। मन गंदा हो आप, काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा में कितने भी समाहित हो गए हो तो भी मंदिर जरूर जाओ। तो एक बैनर पर, एक प्लेट पर ऐसा लिखा हुआ था कि आपका मन अगर गंदा है तो मंदिर जरूर जाना। पर सोचने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है। उसका केवल एक सार तत्व है कि जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, जब बच्चा गंदगी में पड़ता है, जब बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, तो उसको पड़ोसन नहीं संवारती, उसको कोई रिश्तेदार नहीं उठाता, उसको कोई पड़ोसी गोद में नहीं लेता, उसको अगर गोद में कोई लेता है तो या तो माँ लेगी या बाप लेगा, उसका पिता, उसकी माता। उसी तरह आप यदि मन गंदा भी हो गया तो मंदिर जरूर जाना, क्योंकि वो जगत का बाप आपको गले जरूर लगाएगा, ये पक्का है। वो जगत की माँ, जगत का बाप आपको हृदय से अवश्य लगाएगा, क्योंकि चाहे कितने भी गंदे काम लोभ विषय आसना वासना आसक्ति तृष्णा जितने भी तुम समाहित हो गए चले गया कहाँ। कोई कह रहा था हमारा तो बचपन बिगड़ गया, हमारी जवानी बिगड़ गई, हम भोग विलास में डूबे रहे, हमने ये गलती कर दी। कथा सुनने के बाद कई गलतियों का भान होता है कि हमने ये गलती करी। हो गया ना, हो जान दो। फिर भी आप अगर मन भी गंदा है, काम लोभ विषय वासना आसक्ति में भी हम डूबे रहे हैं, भले हमने बचपन बिगाड़ दिया, जवानी बिगाड़ दी, अधेड़ी बिगाड़ दी, भले हम भजन नहीं करें, पर अभी मौका, अभी ट्रेन थोड़ी ना छूटी है, अभी तो मुजफ्फरनगर स्टेशन पे खड़ी है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, स्टेशन पर उतरते समय आप स्वयं पहले उतरते हो कि सामान पहले उतारते हो? जम के बोलो, सामान उतारते पहले, पूरा सामान बाहर, फिर अपन बाहर। कितनी ज्ञान की बातें हैं कि मंजिल पर पहुंचना है और मंजिल का स्टेशन आ चुका है, सबसे पहले आपने सामान बाहर फेंका, उसके बाद आप उतरे हो। बस यही भागवत का सार तत्व है कि काम लोभ विषय वासना को मरने से पहले बाहर फेंक दो, उसके बाद मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। स्टेशन पर उतर ही ना, सब फेंक दीजिए, आसक्तियों की परिपूर्णता को निपटा दीजिए। लो एक बेग है सारे, काम का बेग, लोभ का बेग, विषय का बेग, वासना का बेग, तृष्णा का बेग, ये बहुत सारे बेग हैं साहब। ये सामान ही तो सबसे भारी है, नहीं तो व्यक्ति तो यूं ही अच्छे से चले जाए। यात्रा कोई बेकार, यहाँ कोई परेशानी क्या तुमको? अरे बोलो तो सारी, नहीं कोई कष्ट हो रहा हो तो बताओ, बस बंदर ही परेशान कर रहा है, बाकी के कोई परेशानी हो तो बताओ। अरे बोलो तो सर, नहीं है ना कोई परेशानी, भोजन में कोई परेशानी नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? बस वो स्टेशन पे उतरते और चढ़ते, ये सामान जो है ना, बस सबसे ज्यादा उलझन ये सामान से, काम लोभ विषय वासना तृष्णा आसक्ति ये सामान से सबसे ज्यादा तकलीफ है। नहीं तो लीला भाई तू तो एक नंबर की है, तू कहीं बुरी तुम नहीं हो, तुम्हारी ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये लोभ, ये विषय, ये वासना, ये हमारे बेग जो है, ये हमको कष्ट प्रदान कर देते हैं। और हम सामान रखते हैं किसी बेग में और ढूंढते हैं किसी बेग में, और घंटों निकल जाता है, बाद में वही सामान बाहर पड़ा हुआ मिल जाता है। बस यही है, आसक्ति के बेग में काम को डूब रहे हैं और काम के बेग में आसक्ति को ढूंढ रहे हैं। आसक्ति में लोभ को ढूंढा जा रहा है, लोभ से विषय में ढूंढा जा रहा है, और हम ढूंढने में सारा फैलारा फैला लेते, इतना फैलाते कि पूरा, किसी किसी की तो आदत रहती है जब तक वो पूरा फैलारा नहीं फैला रहे उसके कमरे में मजे ही आनंद, और फिर पड़ोसन के उठा अपना सामान उठा,
बता यहाँ ये पटक दिया, माँ वो पटक दिया, पूरा घर गंदा कर दिया, फिर उसमें कोई कहीं ना कहीं की एक आध समझदार रहती है तो झाड़ू उठा के झाड़ू भी लगा देती है। ऐसा कोई सदगुरु आता है जो सारा सामान सोर के झाड़ू लगा के तुम्हें स्वतंत्र कर चला जाता है। कोई सदगुरु आता है जो काम लोग विषय वासना आसक्ति तृष्णा को उठाकर कहीं एक कोने में पटकता है, एक जगह पर ढेर लगा देता है, एक जगह पर संभाल के रख देता है और उसके बाद तुम्हारा कमरा साफ कर चले जाता है आसक्तियों से। ढूंढो बस उस परमात्मा के चरणों की विनती। महाराज राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान तीन पग भूमि मांगने के लिए खड़े हैं। कितनी पग? तीन पग। भाग्य देखना कितना किस्मत वाला है। कौन? राजा बलि। उसके भाग्य के बराबर दुनिया में किसी का भाग्य नहीं हो सकता साहब। एक भाग्यशाली था वो गिद्धराज जटायु, दशरथ से ज्यादा किस्मत वाला था वो। राजा दशरथ से ज्यादा किस्मत वाला गिद्धराज जटायु, भीष्म पितामह से ज्यादा किस्मत वाला वो गिद्धराज जटायु। तीन किस्मत वाले हुए, एक दशरथ जी, एक भीष्म पितामह, एक गिद्धराज जटायु। ये तीन किस्मत वाले, इनको किस्मत वाला क्यों कहा गया? क्योंकि दशरथ जी के घर में राम जन्म, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा, और गिद्धराज जटायु जिसने प्राण त्यागे तो राम की गोद में त्यागा। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल किस्मत वाला है तो गिद्धराज जटायु है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं, राम सामने नहीं। भीष्म पितामह जिसने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन किया, पर जब प्राणों को त्यागा तो कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तो राम को सामने पाया। बस ऐसा ही हमारा जीवन हो। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा आता है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देता है, जाओ रे अब तो जिंदगी संवार लो। गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, क्या कहती है? अभी तक तुमने जो कमाया वो परिवार के लिए, अभी तक तुमने जो किया वो तुम्हारे परिवार के लिए, अभी तक जो तुमने किया वो तुम्हारे कुटुंब के लिए। अब 60 के हो गए, 40 वर्ष तुम्हारे पास में दे रहे हैं, आधे से ज्यादा उम्र तुम्हारी खप गई, केवल 40 वर्ष। जाओ अब थोड़ा जाकर भगवान का भजन करना, अभी तक परिवार के लिए करा, अब अपने इस आत्म कल्याण के लिए करना, तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, चले जाओ अब जाओ। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट मिलने के बाद में भी दूसरी जॉब ढूंढते हैं। कई ऐसे होते हैं जो दूसरी जॉब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ दो बहन बैठी हुई है, उपाध्याय बहन और एक और वो बहन, दोनों एक कह रही थी गुरुजी हमारे पति को डॉक्टरी से फुर्सत नहीं, हम कहते चलो। दूसरा दूसरी बोली हमारे पति को नेतागिरी से फुर्सत नहीं, हम कहते चलो। अब सुने नहीं तो कहा करे, आप ऐसी कृपा करो ना गुरुजी, एक बार वो आए। हमारा तो निवेदन हर पल हर घड़ी हर क्षण, हम तो कल्लू जी महाराज से, सुखदेव जी महाराज से, ठाकुर जी से ये विनती करते हैं कि आप ऐसी जीवन भर अखंड सौभाग्य में रहो और जोड़े से कथा सुनते रहो। हम तो यही वर प्रदान करते हैं आपका जीवन। पर एक बात है, सत्य कहूं ईमानदारी से, वो भले डॉक्टरी कर रहे हो, भले वो नेतागिरी कर रहे हो, पर उनका मन कितना पवित्र होगा जो आप दोनों को यहाँ कथा में भेज दिए हैं, ये सोचिए आप। उनका मन कितना पवित्र होगा, उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता कितनी प्रखर होगी, जो अपनी धर्म पत्नियों को, कई पति लोग आ गए, कई पत्नियां आ गई, नहीं आ पाया कोई, होता है। पर ये तो सोचो कि भाव कितना शुद्ध होगा, निर्मल। और वो भाव निर्मलता का स्वभाव,
भगवत पद की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बस वही हो। भगवत तत्व की शरणागति का जो भाव है वो भक्ति का प्रतिबिंब है, भक्ति का। और भक्ति के प्रतिबिंब में भगवत तत्व की प्राप्ति का एक साधन। तो कहना माना के मैं पतित बहुत हूं, माना के मैं पतित बहुत हूं। हरि पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, हरि पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, हरि पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, ओ पतित पावन तेरो नाम लाडली राधे। मेरे गिनियों ना अपरा लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपरा लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपरा लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। आओ सब बड़े आनंद अष्ट सखिन में दास दासिन में, अष्ट सखिन में दास दासिन में, अष्ट सखिन में दास दासिन में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली राधे, लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे।
माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हरी पतित पावन तेरो नाम।